हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स वीकली बना रहा है सिल्वर मिनी। सिल्वर माइक्रो के विषय में जो प्रोबेबिलिटी थी उसको मैंने आपके लिए शेयर किया है। यहाँ पे कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती, मैं सिर्फ यहाँ पे लर्निंग पर्पज के लिए जो मैं अपना स्टडी करता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसके भी इसमें अपना डिसीजन ले सकते हैं। सिल्वर मिनी में बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहे हैं, हम उसके विषय में देखेंगे। लेकिन आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। मैंने कुछ स्टॉक के विषय में डिस्कस किया था, आपके साथ शेयर भी किया था। ये लगभग 5 to 10 स्टॉक थे। अगर उसमें आप देखते हैं ज़बरदस्त तरीके से फॉर्मेशन रही है, इसको जो हम देख रहे थे रेडा को, तब ये 150 के अराउंड में था, आज ये 176 के अराउंड में क्लोज किया है। IEX को देख रहे हैं 140 के अराउंड में था, ये 145 के अराउंड में है। लगभग सभी जगह आपको 3 से 4% की मूव मिली है, एटलीस्ट आपको लॉस नहीं देखने को मिला है किसी भी सेगमेंट में अगर आप देखते हैं। साथ में UPL ने भी ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में क्लोजिंग किया है, तो इसके लिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्ड अच्छा रहेगा तो मैं अपनी ये व्यू आपको वीक में 2 बार पोस्ट करता रहूँगा। अब फ्रेंड्स, कंडीशन यहाँ पे मैंने 2 लाइंस और ऐड किया है। एक है 71,000 के आसपास, 72,000 के आसपास, दूसरी है 53,000 के आसपास। तो हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देखते हैं। अभी इसने जो ब्रेकआउट किया है 77,000 78,000 का लेवल के ऊपर जो निकला है, ये लेवल इससे पहले ये 2020 में एक बार टच किया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या फैक्टर है हम उसको देखते हैं, फिर इस वीक की हम एनालिसिस करेंगे। जुलाई 2020 में अगर आप देखते हैं कंडीशन जो ये बनाता है 2019 में, उसके बाद 20 में दोबारा से उस लेवल के आसपास पहुँचता है, फिर फर्दर उसी के आसपास घूमने के बाद में ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद में कंडीशन बनाता हुआ दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आया, फिर उसके बाद में यहीं से धीरे धीरे करके ऊपर निकला है। जब ये दोबारा से ब्रेकआउट किया है इस लेवल को, उससे पहले आप देखेंगे मल्टीपल मंथ्स में इसने टच किया है। 2020 से लेके 2023 में जाके इसने थोड़ा सा ब्रेकआउट किया इस लेवल को, और उसके बाद में फिर सस्टेन किया। मैंने ये लेवल क्यों मार्क किया है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे जो पेनफुल एरियाज थे यहीं पे जाके हिट किया है, जो चार्ट में शो हो रहा है। अब इसने दोबारा से इसको ब्रेकआउट किया है और 2023 में और लगभग पूरे साल इसी रेंज में घूमता रहा, और जो टेस्ट करने के लिए आया है, डाउन साइड आया भी है, तो 70,000 के आसपास ही मैक्सिमम टाइम घुमा है। नीचे स्पाइक आता है लेकिन दोबारा से खींच के इसको उसी लेवल पे ले जाते हैं, बायर्स के कंट्रोल में है। तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे जो कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है, अगर इसको हम करंट कंडीशन से लिंक करते हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप देखते हो कुछ सिमिलर टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखा। इसमें आप देखें मल्टीपल मंथ्स में एक्सपायरी भी हुई है, सारी कंडीशन भी रही है, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन रही है, इसने यहाँ पे एक रेंज बनाया। मैं रेक्टेंगल के थ्रू एक ड्रा करता हूँ आपके लिए, एक रेंज इसने यहाँ बनाई, उसके बाद में इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में ये रेंज इसने यहाँ बनाई। अब ये दोबारा से ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट बहुत अच्छा है। अगर ये मंथली क्लोजिंग बेसिस पे जाता है 78 के ऊपर, तो फिर हम दोबारा से इसी कंडीशन में कहीं बनते हुए देखने को मिलेंगे। अगर इनके से नीचे स्पाइक जाता है और इसी मंथ में आके दोबारा 78 के नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो फिर दोबारा से हम इसी जोन में फंसने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पर हुआ था। तो ये कंडीशन यहाँ पर कुछ जस्ट माई व्यू है, इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा प्रीवियस हिस्ट्री में कर चुका है, उसके बेस में हम फ्यूचर की हिस्ट्री को देख रहे हैं, फ्यूचर में कैसा ये कंडीशन बनाने की कोशिश करने वाला है। अब यहाँ पे अगर फ्रेंड देख रहे हैं, तो ये जो रेंज इसने बना रखा है 76,000 से 78,000 का लेवल, ये वो हमारे लिए बहुत ही क्रुशियल बना हुआ था। उस टाइम पर हम इसको एज ए सप्लाई जोन के लिए ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि ये आप देख रहे हो जब इसकी एंट्री हुई थी अप्रैल मंथ में, दोबारा से घूमते हुए अप्रैल मंथ में एक साल हो चुका था। एक फाइनेंशियल ईयर पूरा, इंडियन फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो पूरा पूरा यहाँ पे FY24 ट्रेवल किया। अब 25 में इसने ब्रेक किया है और अप्रैल मंथ में ही ब्रेक किया है, ये कंडीशन यहाँ दूसरी आपके सामने है। अब इसको सस्टेन करना है तो यहाँ पे रुकना चाहिए फिलहाल के लिए। अभी यहाँ पर थोड़ा सा अगर स्पेस की बात कर लेते हैं, तो कमिंग वीक है जो अभी आने वाला है, इसमें काफ़ी न्यूज़ है, उसके विषय में मैंने आपके ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि क्या क्या उसमें कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये मैक्सिमम इसको 81,000 के आसपास तक जाना चाहिए, उसके बाद में जो ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के साथ में इसको कुछ यहाँ पर रुकना चाहिए।
रुकेगा तभी इसमें फर्दर नेक्स्ट डिसाइडिंग मूव होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी मार्केट ये वन डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, खासकर जब वो ऑल टाइम हाई के आसपास रहता है, एक बार रिवर्सल करता है। लेकिन जस्ट एक होप है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद में हम वीकली सेंटिमेंट्स में देखते हैं। तो जो वीकली सेंटिमेंट में हम देखते हैं, जो करंट वीक अभी क्लोज किया है हमने, लगभग 7% से ज़्यादा का मूव रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर कॉमेक्स को देखते हैं, वहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम रहा है। तो अगर आपको इंडियन मार्केट को ट्रैक करना है तो कॉमेक्स को साथ में जाके ट्रेड कर सकते हैं। उसमें जैसा आप लगातार देखते हैं उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स वहाँ पे ज़्यादा है, ट्रेडिंग ज़्यादा टाइम पे होती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में जो मैक्सिमम वॉल्यूम आता है इवनिंग के टाइम में आता है, तो जो जॉबर्स हैं जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा टाइम होता है इवनिंग में अपने ट्रेंड को फाइंड आउट करना। एक ही हम 2020 का ट्रेंड देखते हुए चल रहे हैं, दूसरा अभी करंट अगर 2022-23 से अगर हम ट्रेंड को देखने की कोशिश करते हैं, तो एक ट्रेंड ऐसा भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है हमें कि जो कुछ इस ट्रेंड को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो दो ट्रेंड हैं हमारे पास जो मैक्सिमम पेनफुल एरियाज बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उस बेस से अगर देखते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे जस्ट एक करेक्शन का होप है, लेकिन ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त है, विद वॉल्यूम हुआ है, ऐसा नहीं कि विदाउट वॉल्यूम हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका वॉल्यूम अगर आप देखते हैं तो इसने हाई लगाया है 2024 में, इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम अभी तक नहीं आया। इवन सेलर्स से भी ज़्यादा इसने मंथली में केवल एक वीक की ट्रेडिंग में इसने ऐसा परफॉर्म कर दिया है। लगभग 237,000 का वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर इससे पहले का वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 236,000 का था, तो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ भी जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बायर्स हैं, कुछ लोग सेलर हैं, बाय एंड डिप कर रहे हैं, लेकिन नए हैं जो लोग, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर रुकने का जो रीजन मैं बोल रहा हूँ वो एज़ पर माई व्यू थोड़ा सा यहाँ पे 81,000 के आसपास, 81,400-81,500 के आसपास थोड़ा करेक्शन फेस बनना चाहिए। जिन्होंने बहुत ज़्यादा लॉस कर रखे हैं उन्हें अपने रिस्क के बेस में जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर बड़े लॉस के लिए जाते हैं तो क्या आप उतना प्रॉफिट भी किए हैं, तो आपके लिए बेटर होता है। अगर आपको मैक्सिमम जो लॉस है आपको मैक्सिमम गेन से ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डायरेक्टली हैम्पर करने वाली है। अगर ये नीचे भी आता है कुछ, इसमें जो 9 और 10 को ट्यूसडे और वेंसडे को कुछ डेटा आने वाले हैं, अगर उन डेटाओं का कुछ भी मार्केट थोड़ा सा बैलेंस या रिएक्शन देता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन फेस बनने की कोशिश करेगा। जस्ट होप है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अगर ये इस लेवल पे ऐसी कहीं कंडीशन बनाता तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए जाता, लेकिन ये ऑल टाइम हाई के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ बहुत ही रिस्की है और अलर्ट लेवल पे बना हुआ है। साथ में डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, तो ये कंडीशन जो इसने बना रखी है, यहाँ हायर हाई का गैप अप करता हुआ जा रहा है, यहाँ पर थोड़ी होप बनी थी, लेकिन दोबारा से इसने 78,000 के आसपास आया और उसको फिर रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर निकल गया। तो फिलहाल के लिए अभी पहला यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है 78,000 का है। रेजिस्टेंस लेवल एज इट इज ऊपर का बना हुआ है, पहले इसको 80,000 को ब्रेक करना चाहिए। 1,000 पॉइंट पे यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मैं बात कर रहा हूँ। बायर्स जो नए लोग हैं जो रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं, वो काफ़ी तक उनको वॉल्यूम ट्रेंड ये सारी कंडीशन समझ में आ रही होगी, लेकिन जो नए लोग हैं ऐसे कंडीशन में थोड़े से बचने की कोशिश करें। जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहता है तो हमें जस्ट ट्रेंड को फॉलो करना होता है और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा रिएक्शन फेस करता है तभी यहाँ पे करेक्शन फेस बनेगा। अदरवाइज फ्रेंड्स, अगर इसको स्ट्रांग ब्रेकआउट करना है फिर भी इसको एक बार थोड़ा 78,000 तक आना चाहिए, जैसा हमने प्रीवियस चार्ट में देखा है। दूसरा, 4 आवर सेटअप में अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो 4 आवर सेटअप में भी कहीं ना कहीं ट्रेंड अच्छा बनता हुआ दिखने को मिल रहा है और ये लगातार बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ही मार्केट बनता हुआ देखने को यहाँ भी मिल रहा है। फिर भी यहाँ हम थोड़ा सा अलर्ट लेवल पर रहेंगे, क्योंकि इतना ज़बरदस्त यहाँ से मोमेंटम आ चुका है। 74,000 से रैली स्टार्ट हुई थी, 74,400 ये एक्युमुलेशन जो जोन था, ऐसा कुछ यहाँ भी फॉर्मेशन करना चाहिए अगर दोबारा से एक नया हाई बनाने के लिए रेडी होने वाला है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जनरली इसको या तो रुकना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन फेस दिखाना चाहिए, लेकिन ट्रेंड जो बोल रहा है वो अभी पॉजिटिव ट्रेंड में ही चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 80,000 79,000 होता हुआ 8,000 पॉइंट का नीचे के लिए स्टॉप लॉस आपको देखने होंगे। कुछ भी नेगेटिव इंडिकेशन बनता है, नेगेटिव इंडिकेशन का मतलब प्रीवियस कैंडल का लो अगर निकालता है तो आप उसके नीचे देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी, और उस
कैंडल का हाई आपके लिए स्टॉप लॉस भी बन सकता है। या जो भी कंडीशन आपके शेयर की गई है जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज के लिए है, तो आप कभी भी ट्रेड करने से पहले सबसे पहले रिस्क रिवार्ड को मैनेज कर लीजिए, अदरवाइज ये हाई रिस्क और हाई रिवार्ड का गेम है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।